प्रोनंसिएशंस यानी कि एक ही तरीके से तकरीबन बोले जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो हैं वो अलग अलग हैं। आज बात एक्सेंट, असेंट और असेंट की, यानी कि एक्सेंट वर्सेस असेंट वर्सेस असेंट। एक्सेंट में जो स्ट्रेस है वो लगेगा एक पे, लेकिन असेंट और असेंट में सेंट पे लगेगा। तो यानी कि इनकी प्रोनंसिएशन सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। शुरुआत करते हैं एक्सेंट से। एक्सेंट एक नाउन है और इसका हिंदी में मतलब है किसी भी भाषा को बोलने का ढंग। आपने एक्सेंट बहुत इस्तेमाल किया होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं ताकि इसका यूसेज जो है हमें और बेहतर तरीके से समझ आ जाए। देखें, ब्रिटिश एक्सेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन। यानी कि ब्रिटिश लैंग्वेज को बोलने का तरीका अमेरिकन से बहुत अलग है। ब्रिटिश एक्सेंट अमेरिकन से डिफरेंट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। He spoke with a French accent. यानी कि वो इंसान फ्रेंच एक्सेंट के साथ बोल रहा था, यानी कि उनकी बोलचाल में एक्सेंट था, फ्रेंच एक्सेंट था। चलिए इसका ना दूसरा मतलब समझते हैं। एक्सेंट का एक और भी मतलब है, वो है कि किसी एक बात पर जब आप जोर देते हैं, किसी बात पर जोर देने को भी एक्सेंट कहा जाता है। इसका यूसेज आप देख लेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही एक्सेंटेड फर्स्ट चैप्टर, यानी कि उसने पहले चैप्टर पर ज्यादा जोर दिया। ही एक्सेंटेड फर्स्ट चैप्टर। दूसरा एग्जाम्पल, द वॉल कलर एक्सेंट्स कैफेज मूड। यानी कि वॉल कलर कैफे के मूड पर जोर दे रहा है या उसे निखार रहा है या उस पर स्ट्रेस कर रहा है। चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। असेंट का मतलब है आगे बढ़ना या ऊपर चढ़ना, यानी कि मूविंग अहेड और राइजिंग अबव। इसका यूसेज भी बहुत सिंपल है, बस ये देखने में ही थोड़ा टफ लगता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द असेंट अप द हिल वॉज हार्ड। यानी कि पहाड़ी के ऊपर जो चढ़ाई थी वो मुश्किल थी। असेंट वॉज हार्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हिज असेंट इन द कंपनी वॉज स्लो। यानी कि उसकी कंपनी में उसके प्रमोशंस प्रोग्रेस धीरे हुए। ठीक है, चलते हैं असेंट की ओर। हमारा तीसरा वर्ड, असेंट
असेंट का सिंपल सा मतलब है सहमति, यानी कि अग्री कर जाना, अप्रूवल दे देना, राइट? इसका एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल गेव हिज असेंट, यानी कि प्रिंसिपल ने अपनी सहमति दी. ओके, एक और एग्जाम्पल. हिज असेंट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द डील्स सक्सेस, यानी कि समझौते की सक्सेस के लिए, यानी कि सफलता के लिए उसकी सहमति जरूरी थी. आई होप द डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट, असेंट एंड असेंट इज क्लियर.